हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज प्रो फ़ोन है तो लावा ब्लेज प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने लावा ब्लेज प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और ब्लूटूथ प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं लावा ब्लेज प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को ठीक कैसे कर सकते हैं लावा ब्लेज प्रो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना है वो क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग्स से शो हो रही है, जिसमें से आपको जाना होगा उसमें से आपको सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं, इसके लिए सिंपली वैसा आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते जो भी ब्लूटूथ ऑल नेटवर्क सेटिंग्स को आप रीसेट करते हैं तो ब्लूटूथ की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। बस आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है और ब्लूटूथ नेटवर्क सेटिंग से कुछ ही सेकंड के अंदर आपके फ़ोन में रीसेट हो जाएगी, और रीसेट होते ही ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बस इस तरीके से रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स आपको सर्च कर लेना है, जिससे आपकी सेटिंग्स से आ जाएगी, जिसके जरिए आप ब्लूटूथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए, और ब्लूटूथ नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं, जिससे ब्लूटूथ प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्लूटूथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो इसलिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।